अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब। अब मैं जनाब सैयद हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए नात पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहिका या रसूल दरूशरी पढ़ो, ये कोई पाबंदी नहीं। मेरा ख्याल है जदों की पाकिस्तान दे विच बनया जिहड़ियां जिहड़ियां हुकूमतां आईयां ने उन्हों का सियासत के मुतलक जिस तरह दिल अपना ख्याल, लेकिन दरूद पाक से पाबंदी किसी गवर्नमेंट नहीं लाई। अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। कई आदमी ये समझते हैं कि पंजाबी में शायद सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की तारीफ नहीं हो सकती, हम उर्दू में ही कर सकते हैं। ये उनकी कमज़ोरी है कि उर्दू ना समझना। हम जिस मजलस में हों, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम उर्दू नहीं बोल सकते। मोची दरवाज़ा में पाकिस्तान बनने से पहले एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये लामा अदारी इस गुफ्तगू के रावी हैं, तो सदरुल फाजल उसके सदर थे। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा एक बेटा है, उनको थोड़ा वक्त दे दिया जाए। पीर उलैद शाह गुजराती के मुतल्लिक, आपके बेटे को भी दे लेते हैं वक्त। जब शाह साहब का उन्होंने ऐलान किया तो शाह साहब ने सूरत यूसुफ शुरू की या सूरत मरियम। अजारवी साहब के अल्फाज हैं कि लाहौर शहर की कोई इट बाकी नहीं रही होगी जड़ी ना रोई हो। सदर उल फादर दीवानों के साथ टकरे लगाते थे, काश के मैं भी पंजाबी जानता होता। तो ये जितनी हदीसें मुफ्ती साहब चले गए बेचारे उठकर यहाँ से, ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, निसाई, ये मिशकात शरीफ, बड़ी बड़ी हदीसें, उनके नीचे फिक्रा होता है अलामाल बिनियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीतों पर मौकूफ है। तो बुल्ले शाह ने अपनी जुबान में इस कारक निकाल दिया, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तो मिलदा डडूंगा मच्छियां, ते जे रब मिलदा विच जंगला मिलदा दांदा खसियां, जे रब मिलदा विच मसीते मिलदा चाम चड़िकियां। और बोलिया रब उन्होंने मिलदा जिन्हां दियां नीयतां सचियां, और बोलिया रब उन्होंने मिलदा जिन्हां दियां नीयतां सचियां। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अपनी किताब जो बैजतुल असरा है, कई लोग कहते हैं कि आयत करीमा इस्मे आज़म है, और कई कहते हैं कलमा शरीफ इस्मे आज़म है, कई कहते हैं बिस्मिल्लाह इस्मे आज़म है, लेकिन आप फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की रजा के लिए रोटी खिलाना है, इसका नाम इसमें आज़म। ये जो चौधरी रोटी खिलाते हैं उनका डेरा आबाद है, जो पीर खाना खिलाते हैं उनका डेरा आबाद है। पीर साहब के मुतल्लिक यहाँ हारू रशीद पीर ने अल्फाज कहे थे कि अगर मैं दुनिया में समझता हूँ इस वक्त कोई दीन का काम कर रहा है तो वो पीर मरूफ हुसैन शाह साहब हैं। और मैं भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान की मलाई इकट्ठी करके, पाकिस्तान वाले तो फिर बेचारे रोटी खाते हैं और मिल जाती है, इधर जो भूखा मुल्क है हमारे साथ इंडिया वाले लोग जिनको बड़ा नाद है, तो यहाँ एक होती है इतलाक रजी, एक होती बैना, एक होती है मुगलजा। यहाँ उलमाए किराम की 5 साल इद्दत होती है, वो भी कमेटी अच्छी हो, नहीं तो बदल बदल के। तो जो यहाँ इतने गुदा कर चले गए हैं वो चाहे वफा इनके साथ करें या ना, लेकिन 800 या 700 या 900 के करीब मस्जिद होगी जहाँ उलमाए किराम, तो ये उलमाए किराम बैठे हैं कि एक लफ्ज पढ़ाना या पढ़ना कितना दर्जा रखता है। तो किसी कौम में बहुत बड़ा आलिम हो तो वो मजहब हक्का नहीं, क्योंकि वो यहूदी की किताबें पढ़कर बातें करता है, जिस मदन में
एक अल्लाह का बंदा हो वो मजहब सच्चा है कि वो लोहे महफूज से देखकर अल्लाह की। तो मुझे ऐसा फरमाने लगे कि शाह साहब आप तकरीर करेंगे या नात पढ़ेंगे। मैंने कहा कि सारा कुरान सर्वे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। जिस तरह तुम तो मैं तरद भी नहीं लगाता कि ये इसमें टाइम क्योंकि हमारे खतीबे नूर बशरदा मसला खुलिया शब असरात गल मुक गई विच पलकां लंघ पार सदाए हफ्त समात गल मुक गई। आज ब्रील खड़ा जग वावे हथ बन के पैगाम सुनावे अज साई तैं को रब सदवावे सीस नवेंदे बोसे देंदे कदम चमेंदे मलक जीना दियां नातां गावन हमदो सना ते गल मुक गई। नूर बशर दा मसला खुलिया शब असरा ते गल मुक गई विच पलकां लंघ पार सदाए हफ्त समा ते गल मुक गई। रात रंगीली क्या रंग लाया कालियां कंबलियां भी रंग पाया अज नबियां दा बख्त पराया मुरसल सारे करन नजारे वारी सारे कौन इमाम रसूलां दा मस्जिद अक्सा ते गल मुक गई। नूर बशर दा मसला खुलिया सभ्य सरा ते गल मुक गई विच पलकां लंघ पार सदाए हफ्त समा ते गल मुक गई। फर्श कोलों शाह अरशी चढ़िया चढ़िया किसे जा मूल नाड़िया आसुए वंज वतनी वड़िया देस पुराने मन को बाने सब कुछ जाने मंजिल मलकां दी खत्म उठाई हुण सिदरा ते गल मुक गई। नूर बशर दा मसला खुलिया शब असरा ते गल मुक गई विच पलकां लंघ पार सदाए हफ्त समा ते गल मुक गई। माओ हादा देस दाया उदनो मिनी दा सद आया जिथे कदम किसे नहीं पाया आउन टुरदा लाश उट परदा ए वेस बशर दा शक शक मखलूक मुटावन कारण किथे औद ना ते गल मुक गई। नूर बशर दा मसला खुलिया शब असरा ते गल मुक गई विच पलकां लंघ पार सदाए हफ्त समा ते गल मुक गई। रब आखे महबूब प्यारा ए जग ओ जग या ओ जग ए जग तेंडा सारा तेरे कारण कुल पसारा तू मुख्तारे जग सरदारे मेंडा यारे जो मनवाने अज मनवागिन तेरी रजा ते गल मुक गई। नूर बशर दा मसला खुलिया शबे असरा ते गल मुक गई शबे असरा ते गल मुक गई विच पलकां लंघ पार सदाए हफ्तो सना ते गल मुक गई। ओ पीर साहब को पैसे नाल चोखे ते असी रहे खत्मे नबूत विच जेल विच ते इन्हां होर ही किसे नूं सदर बना सटिया तुसीं आके ओ आखण असी मालकां नूं आखिया हुण आराम करो एवें बणी बणाई ते जेलां विच कोई रहे आखरी शेरे वे के साबिर जान तशरीफ ले आए बिस्तर गरम बराबर पाए साल 18 गुजरस दाए कुंडा हिलदा पानी चलदा झूठा पलदा मन ना माने तेरी मर्जी रात एकात गल। Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते कवालियां और उल्मा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट ऑडियो सीडी डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर टोपियां जुब्बे जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मतलका अशिया सस्ते दामों मिल सकती है। नाम याद रखें तारक गिफ्ट सेंटर 12 कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड 8 टेलीफोन 01274 मोबाइल 07931587694 तारिक गिफ्ट सेंटर योर वन स्टॉप इस्लामिक शॉप 12 काला रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AD टेलीफोन 01274775721 एंड मोबाइल 07931587694 एंड आवर वेबसाइट www.tarikgiftcenter.com जात में दो जग के दी तेरी दो जग के दी तेरी सुल्फा दे जालता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन।